खबर बागपत से है, जहां दहेज में कार नहीं मिलने पर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। पीड़िता अंजुम की शादी फरवरी 2022 में फिरोज पुत्र यामिन से हुई थी, जो कि मेरठ के निवासी हैं। पीड़िता अंजुम का कहना है कि ससुराल वाले उन्हें कार और 5 लाख रुपए की मांग करते थे। जब पीड़िता के मायके वाले उसे नहीं दे पाए तो पति ने पत्नी से मारपीट की और फिर उसे तलाक देकर मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित अंजुम गंभीर रूप से घायल हैं, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने तहरीर देकर इसकी कार्रवाई की मांग की है। मेरी 1 साल पहले शादी हुई थी मेरठ। वे लोग मारपीट करते थे मेरे पे बहुत ज्यादा, मेरे सास ससुर सब। उनके 5 लाख और गाड़ी की मांग थी। मेरे माता पिता मुझे यहाँ लिया है, उन्हें फैसले के लिए बुलाया तो मैं मारपीट करके मेरे पति 3 बार तलाक 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 कह के चला गया। 1 साल पहले मेरा